नमस्कार दोस्तों, रुचिस फूड जोन में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न और पापड़ से बनने वाली एक मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 2 चुटकी हींग डालकर अच्छे से तड़काएंगे। जब हींग अच्छे से तड़क जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े लाल टमाटर जो मिक्सी में अच्छे से पीस लिए गए हैं, उसी की प्यूरी ऐड करेंगे। अब इस प्यूरी को अदरक के साथ अच्छे से भूनेंगे। पाँच मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी तेल छोड़ने लगेगी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्लिट हरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। अब इन सारी मसालों को ग्रेवी में डालकर अच्छे से भूनेंगे और इसे कवर कर देंगे, आंच कम रखें। 5 मिनट बाद खोलकर चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, यानी कि कह सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 कटोरी ताज़ी मलाई, आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे फिर से कवर करेंगे और लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद देखें कितनी सुंदर हमारी सब्जी लग रही है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी कॉर्न और पापड़ जो अच्छे से टुकड़े कर लिए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार पानी मिलाएं, सब्जी में अच्छे से मिक्स करें। जब सब्जी अच्छे से एक सार मिक्स हो जाए तब इसे कवर करेंगे और कवर कर लगभग 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। क्योंकि पापड़ बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए बहुत देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट बाद खोलकर चेक करेंगे, लवली, आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे पूरी नान परांठे के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी जाएगी। अब अच्छे से जब हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, इसे एंड अप करेंगे हम लगभग 1/4 चम्मच गरम मसाले के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मसाला ना खाना चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। होप सो आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। श्री हरी।